गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कक्षा सातवीं का विषय हिंदी पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। बच्चों, इस पाठ से संबंधित पांच प्रश्नों का होमवर्क गृह कार्य आया है, जिनको आपके साथ हम उनके उत्तर शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का ये पेपर है, ये लिखा हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी किताब में लिखें या अपने शिक्षक के साथ साझा करें। तो ये पाँच प्रश्न हैं। तो अब बच्चों, बढ़ते हैं आज के प्रश्नों के उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां कौन सी हैं? तो बच्चों, कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। दूसरा प्रश्न है, हिमालय के आंगन में कविता के रचनाकार कौन है? तो बच्चों, हिमालय के आंगन में कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, नदियों को लोकमाता किसने कहा है? तो बच्चों, नदियों को लोकमाता काका कालेलकर ने कहा है। चौथा प्रश्न है, द्वंद्व समाज के दो उदाहरण दीजिए। बच्चों, द्वंद्व समाज की पहचान होती है और या इसके बीच में योजक होता है, जैसे पहला उदाहरण है माता पिता इसका, दूसरा है भाई बहन। अगला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय का दामाद किसे कहा है? तो बच्चों, लेखक ने हिमालय का दामाद समुद्र को कहा है। तो बच्चों, ये था आज के स्मेल टू के तहत कक्षा सातवीं का विषय हिंदी पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न थे। आपको इनको समझना है, पढ़ना है, याद करना है। और बच्चों, इन प्रश्नों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखें, साथ में हिमालय की बेटियां पाठ पढ़े। बहुत ही सरल अच्छा पाठ है। और बच्चों, इससे पहले आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं और वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जो जिससे आपको इस चैनल से प्रसारित होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।